वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास प्लस टू अकाउंटिंग रेशो का चैप्टर नंबर सिक्स करेंगे, जिसकी क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, करंट लाइबिलिटी ऑफ ए कंपनी आर रूपीज 10 लाख, इट्स करंट रेशो इज 3:1 एंड द क्विक रेशो इज 1:1। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टॉक इज द डिफरेंस बिटवीन करंट असेट एंड क्विक असेट। जो स्टॉक होता है उसको निकालने का फार्मूला होता है करंट असेट माइनस क्विक असेट। हमारे पास करंट लाइबिलिटी दी है, करंट लाइबिलिटी के बेस पे हम करंट असेट निकालेंगे और करंट असेट के बाद करंट लाइबिलिटी हमारे पास जब आ जाएगी तो हम उसके बेस पे क्विक असेट निकालेंगे। और किस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जाएगा, क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15, हम सबसे पहले करंट रेशो लिखेंगे, करंट रेशो का फार्मूला लिखेंगे। करंट रेशो का फार्मूला होता है करंट असेट, करंट रेशो का फार्मूला होता है करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट रेशो का फार्मूला लिखेंगे हम सबसे पहले तो करंट रेशो का फार्मूला होता है करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। फिर हमारे पास क्योंकि करंट रेशो दिया है, करंट रेशो हमारे पास दिया है 3:1, दैट मींस की 3:1। करंट असेट हमारे पास दिया नहीं है, करंट लाइबिलिटी दी है। करंट असेट हम ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज करंट असेट, और उसकी करंट लाइबिलिटी की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इसका मतलब है हमारे पास जो करंट असेट है वो है रुपीज 10,000 इंटू 1 लाख रुपीज, रुपीज 1 लाख इंटू 10 लाख रुपीज, रुपीज 10 लाख इंटू 3 दैट इज रुपीज 30 लाख। 30 लाख के हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है करंट असेट। अब हम क्विक रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे। क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए, तो फार्मूले में फिर इसके बाद इसकी वैल्यू को पुट किया जाएगा। तो क्विक रेशो का फार्मूला होता है क्विक असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्विक असेट हमारे पास दिए हैं, क्विक रेशो हमारे पास दिया 1:1, क्विक असेट हमारे पास दिए हैं नहीं दिए हैं, और करंट लाइबिलिटी हमारे पास दी है 10 लाख। तो हम जब इसकी वैल्यू को पुट करने के बाद जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्विक असेट भी जो है 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, दैट मींस की 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 दैट मींस की ये आपके पास आया 10 लाख। तो इस प्रकार से आपके पास क्विक असेट भी आ गए और आपके पास करंट असेट भी आ गए। तो अब आपने क्या निकालना, वैल्यू ऑफ स्टॉक, वो निकाली जाएगी करंट असेट माइनस क्विक असेट। तो स्टॉक जब आप निकालेंगे तो आप निकालेंगे करंट असेट माइनस क्विक असेट। तो करंट असेट आपके पास दिए रुपीज 30 लाख जो हमने निकाले अभी, दैट मीन्स गिवन नहीं थे परंतु आपने उसको कैलकुलेट किया। 30 लाख माइनस क्विक असेट हमारे पास थे 10 लाख, और जब आपने इसकी वैल्यू को निकाला तो ये आपके पास आया रुपीज 20 लाख। तो 20 लाख जो है ये हमारे पास क्या आई जी, वैल्यू आई, वैल्यू ऑफ स्टॉक की। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आप लोगों ने स्टॉक की वैल्यू को करंट असेट माइनस क्विक असेट के द्वारा जो है फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर 16, करंट लाइबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल को फाइंड आउट करना है। ए फर्म हैड करंट असेट ऑफ रुपीज 2 लाख, इट पेड करंट लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 40,000। आफ्टर द पेमेंट ऑफ द लाइबिलिटी मतलब करंट लाइबिलिटी, द करंट रेशियो इज 2:1। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर द पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी। तो आफ्टर और बिफोर पेमेंट आपने करंट लाइबिलिटी भी निकालनी है और वर्किंग कैपिटल भी निकालनी है, तो कैसे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया जाएगा। हम करंट रेशो का फार्मूला लिखेंगे। करंट रेशो का फार्मूला होता है क्वेश्चन नंबर 16 में, करंट रेशो का फार्मूला है करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्योंकि आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि फार्मूला लिखना जरूरी है, जो चीज आपसे फाइंड आउट करने को बोली है उससे किसे हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो वैल्यू लिखनी जो है वो सबसे पहले बहुत जरूरी है। तो करंट असेट करंट रेशो जो है वो आपका करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी है। तो हमने करंट असेट की वैल्यू को फर्म हैड करंट असेट ऑफ रुपीज आफ्टर द पेमेंट, आपके पास करंट रेशो भी दिया है तो करंट रेशो हमारे पास दिया है, तो आफ्टर द पेमेंट हमने करंट असेट निकालना है। हमारे पास करंट रेशो दिया है, हमारे पास करंट रेशो दिया है 2:1, तो हमने जो है वो करंट असेट हमारे पास दिए नहीं है, करंट असेट हमारे पास दिए हैं दैट इज 2 लाख, और हमारे पास करंट लाइबिलिटी दी नहीं है। तो करंट लाइबिलिटी को हमने फाइंड आउट करना है आफ्टर द पेमेंट, तो हमारे पास करंट लाइबिलिटी आ जाएगी। तो हमारे पास जो है हमने जो है वो करंट असेट हमारे पास दिए हैं, करंट असेट हमारे पास दिए हैं 2 लाख, ध्यान रखिए इस बात का, हमारे पास करंट असेट दिए हैं। करंट असेट आफ्टर द पेमेंट ऑफ रुपीज 40,000, तो अगर आप पेमेंट करते हैं तो ये जो करंट असेट दिए हैं ये बिफोर पेमेंट दिए हैं, ध्यान रखना इस बात का, ये जो करंट असेट दिए हैं
जो बिफोर पेमेंट दिए हैं, जब हम करंट एसेट की पेमेंट कर देंगे 2 लाख की, तो 2 लाख की पेमेंट करने के बाद आफ्टर द पेमेंट जो है हमारे पास करंट एसेट जो आएंगे वो ऑफ ₹40,000, तो हमारे पास आएंगे 1,60,000। एज करंट रेशियो इज 2:1 एंड करंट असेट जो है आर ₹1,60,000 जो मैंने अभी आपको निकाले कि 1,60,000, हेंस जो आपकी करंट लाइबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी, तो करंट लाइबिलिटी हमने निकालनी है, क्योंकि करंट लाइबिलिटी को निकालने के लिए आप सभी जानते हैं कि करंट असेट को डिवाइड कर दिया जाएगा करंट लाइबिलिटी से। दैट मीन्स की 1,60,000 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स की ₹80,000, रुपीज जो है वो 80,000 जो है वो आपके आए क्या जी, करंट लाइबिलिटी आफ्टर द पेमेंट। उसके बाद अगर बात करें आफ्टर द पेमेंट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट असेट में से यदि आप क्या करते हैं, करंट लाइबिलिटी को घटाते हैं, करंट असेट में से आपने करंट लाइबिलिटी को घटाना है और आपके पास जो आएगी करंट असेट आपके पास दिए हैं आफ्टर द पेमेंट 1,60,000 जो हमने निकाले हैं, 1,60,000 माइनस 80,000 दैट इज ₹80,000, 80,000 जो है आफ्टर द पेमेंट जो है वर्किंग कैपिटल आपके पास आई। तो वर्किंग आफ्टर द पेमेंट भी और बिफोर द पेमेंट, अब हमने क्या निकालनी है, अब हमने निकालनी है करंट लाइबिलिटी बिफोर द पेमेंट। तो करंट लाइबिलिटी हमारे पास 80,000 है और 80,000 में यदि आप बिफोर पेमेंट जी, तो आपने प्लस 40,000 की जो पेमेंट करी, अगर पेमेंट नहीं करते इसका मतलब है पेमेंट करने से पहले हमारे पास करंट लाइबिलिटी जो है ₹1,20,000 होती। तो ये आपके पास क्या जी, बिफोर करंट लाइबिलिटी बिफोर द पेमेंट एंड वर्किंग कैपिटल बिफोर द पेमेंट। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट, आपको बताया था मैंने आपको कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी में से आप करंट असेट कटा दें, करंट असेट हमारे पास बिफोर द पेमेंट जो है वो थे 2 लाख और करंट लाइबिलिटी हमारे पास थी 80,000। दैट मीन्स की हमारे पास जो आंसर आया बिफोर पेमेंट जो है वर्किंग कैपिटल, हमारे पास करंट असेट ये थे और करंट लाइबिलिटी हमारे पास थी 1,20,000। ध्यान रखिए इस बात का, 1,20,000 बिफोर पेमेंट, क्योंकि बिफोर पेमेंट जो है वो करंट लाइबिलिटी 1,20,000 है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास वैल्यू आई वो आई थी 80,000। तो इस प्रकार से हमने बिफोर आफ्टर द पेमेंट करंट लाइबिलिटी और वर्किंग कैपिटल को निकाला। किस प्रकार से हमने इसके अंदर निकाला, हमने सिर्फ फार्मूले को वैल्यू को पुट किया, वैल्यू को पुट करने के बाद हमने फॉर्मूला लगाया जिसके आधार पर हमने क्वेश्चन नंबर 16 को किया। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें करंट रेशियो निकालने को बोला है। द करंट रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ करंट असेट आपके पास दिया 10 लाख एंड करंट लाइबिलिटी ₹4 लाख। मतलब अगर 10 लाख को आप 4 लाख से डिवाइड करें तो हमारे पास करंट रेशियो दिया है 2.5:1। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग द करंट रेशियो, वो ये बोलता है कि इस रेशो को आपने करंट रेशो को मेंटेन करना है 2:1 में, मतलब 2.5:1 से 2:1 में मेंटेन करना है। बाय एक्वायरिंग सम करंट असेट ऑन क्रेडिट यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट हिम टू द अमाउंट ऑफ करंट असेट विच मस्ट बी एक्वायर फॉर द पर्पज। तो आप लोगों को कितना करंट असेट अमाउंट एक्वायर करना पड़ेगा कि हमारा जो रेशो है वो 2.5:1 से 2:1 हो जाए। ये फर्म आपसे सजेशन मांगती है कि आप किस प्रकार से कितने शेयर को एक्वायर करेंगे, कितने करंट असेट को एक्वायर करेंगे कि आपका रेशियो 2.5:1 से 2:1 आ जाए। तो हम क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और भी क्लियर होगा। आप लोगों को बताया भी हमने सबसे पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला, जो चीज हमारे पास है गिवन है उसका हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। ये रेशियो का आपको फॉर्मूला इतने बार लिखने के बाद तो वैसे ही याद हो गया होना। तो करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, उसके बाद इसकी वैल्यू को पुट किया, दैट इज 2.5:1, दैट इज 10 लाख अपॉन 1। दैट मींस कि जैसे अभी आपको बताया कि 10 लाख को अगर आप 4 लाख से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2.5:1 आएगा। अब हमने क्या करना है, लेट द अमाउंट पेड टुवार्ड्स करंट लाइबिलिटीज एक्स, हमने मानना पड़ेगा हमें कि हमने अमाउंट को आफ्टर द पेमेंट जो है वो हमारे पास क्या आएगा, किस प्रकार से हमने इसकी वैल्यू को पुट करना है। तो हम इसको करेंगे, तो ये आपके पास आया जी, तो 4 लाख को यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपके पास आया 8 लाख प्लस 2x इज इक्वल टू 10 लाख माइनस x। तो इसका मतलब है कि 2x माइनस x इज इक्वल टू 10 लाख माइनस 8 लाख। तो ये आपने जब इसकी वैल्यू को दिखाया तो ये आपके पास आया जी ₹2 लाख। तो इसका मतलब है कि फर्म को जो है
कम से कम जो है 2 लाख के असेट जो है वो करंट असेट जो है एक्वायर करने पड़ेंगे। तो यहाँ क्लियर सी इंडिकेशन है कि आपने जो है ये करंट लाइबिलिटी की पेमेंट टुवर्ड्स करंट लाइबिलिटी आपने पेमेंट करी, इसका मतलब आपके पास जो है कम से कम जो है 2 लाख का कैश होना चाहिए जिससे जो है ये मेंटेन हो। करंट असेट विच मस्ट बी एक्वायर्ड ₹2 लाख फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशियो। तो ये था जी आपको क्वेश्चन नंबर 17, किस प्रकार से जो आपने इसको निकाला। आप क्वेश्चन नंबर 18 में करंट असेट और करंट लाइबिलिटी आपसे पूछी है। ए फर्म हैज ए करंट असेट रेशियो 3:1, इट्स वर्किंग कैपिटल इज ₹2 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन करंट असेट, करंट लाइबिलिटी, लिक्विड असेट एज्यूमिंग इन्वेंट्री इज ₹2,20,000। तो इसके अंदर आपसे करंट असेट भी पूछे हैं, करंट लाइबिलिटी भी पूछी है, लिक्विड असेट भी पूछे हैं, और आपके पास इन्वेंट्री की वैल्यू भी दी है, वर्किंग कैपिटल दी है। तो हम इसके बेस पर इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल जो होती है डिफरेंस बिटवीन करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। अगर आप करंट असेट में से करंट लाइबिलिटी को कटा दें तो जो आपके पास आती है वो आती है जी वर्किंग कैपिटल। तो ये आपके पास 2 लाख है और वर्किंग करंट असेट आपके पास 3 है, करंट लाइबिलिटी आपके पास 1 है। दैट मींस कि इफ वर्किंग कैपिटल, ये आपके पास 2 आई, इफ वर्किंग कैपिटल इज 2 देन करंट असेट इज 3, इफ वर्किंग कैपिटल इज 1, इफ वर्किंग कैपिटल इज 1 देन करंट असेट इज 3/2, इफ वर्किंग कैपिटल इज 2 लाख देन करंट असेट जो आएंगे आपके वो आएंगे, करंट असेट जो आएंगे आपके 3/2 × 2 लाख दैट इज ₹3 लाख। तो आपके पास 3 लाख आंसर दिया हुआ करंट असेट का, करंट असेट आपके पास आ गए कितने जी 3 लाख। अब आपने करंट लाइबिलिटी निकालनी है, करंट लाइबिलिटी को निकालने के लिए आप करंट रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है, आप सभी जानते हैं कि करंट रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे आप, करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, जिसमें आपके करंट रेशियो आपके पास दिया है 3:1 और आपके पास करंट असेट आपने निकाल लिए हैं 3 लाख, करंट लाइबिलिटी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू दैट मीन्स की 3 लाख/3 दैट इज ₹1 लाख। तो इस प्रकार से अब आपने जो है वो करंट लाइबिलिटी की वैल्यू को भी निकाल लिया। अब आपसे पूछा है क्विक असेट, तो क्विक असेट का फॉर्मूला होता है, क्विक असेट अगर आपने निकालने हो तो क्विक असेट का फॉर्मूला होता है क्या जी, करंट असेट माइनस इन्वेंट्री, करंट असेट माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होता है, परंतु प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए नहीं है। तो करंट असेट आपके पास दिए हैं जो आपने फाइंड आउट किए अभी 3 लाख, और इन्वेंट्री आपके पास दी है 2,20,000। दैट मींस कि आपके लिक्विड असेट या क्विक असेट जो आपके पास आए, क्विक असेट जो आपको वैल्यू निकालने को बोला है वो आपके पास आए ₹80,000। तो इस प्रकार से जो है आपने सभी असेट की वैल्यू को फाइंड आउट किया। मैंने जैसे आपको बताया कि इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको वर्किंग कैपिटल दी हुई थी, आपने करंट असेट और करंट लाइबिलिटी निकालना था, क्योंकि वर्किंग कैपिटल जो है वो करंट असेट और करंट लाइबिलिटी का डिफरेंस है। तो जो चीज आपने फाइंड आउट करनी हो, जो चीज आपके पास गिवन हो उसको आपने लेफ्ट हैंड साइड लेना है, जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है उसको आप राइट हैंड साइड लेंगे। इफ वर्किंग कैपिटल इज 2 देन करंट असेट इज 3, इफ वर्किंग कैपिटल इज 1 देन 3/2, इफ वर्किंग कैपिटल इज 2 लाख जो आपके पास गिवन थी तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास करंट असेट आ गए थे। तो करंट असेट को निकालने के बाद, करंट असेट को निकालने के बाद आप सभी जानते हैं आपने करंट लाइबिलिटी निकालनी थी, करंट लाइबिलिटी को निकालने के लिए आपने करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाया, इसमें करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी किया 3:1 3/1 करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी आपके पास आई जो आपके पास 1 लाख आई, और क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, तो इसमें से इसको कटाया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।